भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम चायल के नगाले गांव में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये जानकारी भाजयुमो सोलन के मंडल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज ने मीडिया को दी। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इस दौरान करीबन 100 पौधे गाँव में रोपे। इस मौके पर पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि शहरों की तर्ज पर अब गाँव में भी आधुनिकता आ रही है और गांव में भी कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इस संतुलन को बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद आवश्यक हैं। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा समाज की भलाई के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ने लॉकडाउन के दौरान जहां एक ओर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और दवाएं वितरित की, वहीं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए उनके द्वारा चौथी बार पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। युवा मोर्चा सोलन मंडल के द्वारा चायल के नगाली गांव में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और युवा मोर्चा सोलन के द्वारा ये लगातार चौथा कार्यक्रम है और जिस लक्ष्य उद्देश्य के साथ युवा मोर्चा लगा है, मैं ये कह सकता हूँ जिस तरह से कोविड-19 के दौरान चाहे वो आवासग्रस्त लोगों को धन एकत्रित करके उनको राशन वितरण की बात थी, दवाई वगैरह की सहायता करने की बात थी, उसमें भी आपने अग्रणी भूमिका निभाई थी और ये जो पौधा रोपण का कार्यक्रम है, ये भी आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है।